हमारे साथ अब अगली सीट हम बताते हैं, वीआईपी सीट नंबर 3 कौन सी है। इटावा सदर सीट जो है वो इस बार हॉट सीट बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, उम्मीदवार आप देख लीजिए, सरिता भदौरिया यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, सर्वेश चाक्य यहां से गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कुलदीप गुप्ता यहां से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। तो इसके अलावा यहां पर कांग्रेस भी थोड़ी बहुत टक्कर में है, तो ये समझना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने उतारा है मोहम्मद राशिद पर, यहां पर कांग्रेस ने दाव खेला है। तो ये 4 प्रत्याशी, ये वीआईपी सीट नंबर 3 इटावा सदर के। और ये सीट वीआईपी क्यों है, वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहां से एमएलए है बीजेपी की सरिता भदौरिया, इनको एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और सर्वेश चाक्य जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनसे इनका सीधा सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश आप बताइए कि सरिता भदौरिया पिछली बार भी एक तरफा जीती थी, इस बार क्या समीकरण। बिल्कुल, 2017 में सरिता भदौरिया को रिकॉर्ड मत मिले थे, 94,000 के आसपास मत हासिल हुए थे और उस समय उनका निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी का कुलदीप गुप्ता हुआ करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण कुलदीप गुप्ता ने बागी तेवर अपनाए और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके वो उम्मीदवार बनकर के सामने आ गए। अब समाजवादी पार्टी ने समाजवादी गठबंधन के तौर पर सर्वेश शाह को मैदान में उतारा हुआ है। अब इस तरीके की स्थितियां यहां पर बनी हुई है, तो इटावा में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति समझ में आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अपना दावा जता रही है, बहुजन समाज पार्टी भी दावा जता रही है और बस भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कह रही है कि हम हर हाल में इस सीट पर जीत का जो दायरा वो बरकरार रख पाने में कामयाब होंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इटावा आए थे तो उन्होंने इस तरीके का संदेश दिया कि अगर इटावा की सीट आप जिता देंगे तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो ऐसा माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि जो इटावा की सीट है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और खुद मुख्यमंत्री बड़ा भरोसा जता रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां और तस्वीर दिखाई दे रही है वो त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई फिलहाल इटावा में दिखाई दे रही है। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि यहां पर इटावा सदर में त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। अब वीआईपी सीट नंबर 4 का रुख करते हैं। वीआईपी सीट नंबर है 4 भोगांव और भोगांव के प्रत्याशी आपके सामने हैं, राम नरेश अग्निहोत्री यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आलोक शाक्य गठबंधन के प्रत्याशी, अशोक सिंह चौहान बीएसपी के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं ममता राजपूत। तो वीआईपी सीट नंबर 4 भोगांव विधानसभा के 4 प्रत्याशी आपके सामने हैं और ये सीट वीआईपी क्यों हो जाती है ये आपको समझना बेहद जरूरी है। ये सीट वीआईपी इसलिए हो जाती है क्योंकि योगी सरकार में मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री यहां से यूपी सरकार में मंत्री हैं, इनको यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और हमारे साथ मनोज जी लगातार जुड़े हुए हैं, राम नरेश अग्निहोत्री को मैदान में उतारा है, आपको क्या लग रहा है, प्रतिष्ठा दांव पर है क्या राम नरेश अग्निहोत्री की? प्रत्याशी की भी, पार्टी की भी, और बल्कि एक प्रत्याशी एक पार्टी क्यों कहें, सारे प्रत्याशी और सारी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। ये चुनाव बहुत ज्यादा मतलब हाई टेंशन चुनाव है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। ये एक सस्पेंस फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स 10 मार्च को पता लगेगा। ठीक है ठीक है, हालांकि राम नरेश अग्निहोत्री दावा लगातार करते रहे हैं कि यूपी में और केंद्र में 25 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। अगली वीआईपी सीट का रुख करते हैं, यह है कन्नौज सदर सीट, यहां से ये वीआईपी सीट है और इसके प्रत्याशी कौन कौन है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। असीम अरुण यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अनिल दोहरे गठबंधन के प्रत्याशी, समरजीत दोहरे यहां से बीएसपी के उम्मीदवार हैं, उसके अलावा विनीता देवी यहां कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तो ये वीआईपी सीट नंबर 5 के हमने 4 प्रत्याशी आपके सामने रखे। ये सीट वीआईपी क्यों है ये भी आप समझिए, ये सीट वीआईपी इसलिए है क्योंकि असीम अरुण यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इन्होंने वीआरएस लिया और उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हुए और अब ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और कन्नौज जो सीट है यहां के समीकरण क्या कहते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, 2012-2017 के नतीजे यहां पर क्या कहते हैं, ये हमें समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम आपको अब कन्नौज लिए चलते हैं, कन्नौज में क्या है समीकरण, 2012 और 2017 के नतीजे हम आपको बताएंगे कि वहां पर क्या रहे हैं
इससे पहले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और क्या इसको भेद पाएंगे असीम अरुण, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कन्नौज के नतीजे क्या कहते हैं 2017 के, ये आप समझिए। कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों में से बीजेपी के पास 2 हैं फिलहाल। समाजवादी पार्टी यहां पर 33.96% वोट शेयर के साथ यहां पर बनी हुई है, लेकिन 2012 के नतीजे क्या कहते हैं ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। 2012 के नतीजे तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें थी, तो लगभग जो हम पूरा तीसरे चरण की वोटिंग के जो जिले हैं उनको देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2012 में कब्जे में जिन जिन सीटों पर थी, थोड़ी थोड़ी सेंधमारी बीजेपी करने में यहां पर कामयाब रही है। बीजेपी के पास 2 सीटें आ गई 2017 में और समाजवादी पार्टी के पास 1 रह गई, यहां पर भी सेंधमारी की है समाजवादी पार्टी ने। 2012-2017 के कन्नौज सदर सीट के हमने नतीजे हमने आपको दिखाए हैं और मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अपने सहयोगी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं।